Subscribe to my channel Satun Dukan, press the bell icon and enable all notification to watch coming video. Hi friend, welcome to my channel Satun Dukan. Friend, आज मैं बताऊंगा डॉग को स्नेक बाइट हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है. स्नेक बाइट होने पे एंटी वेनम का यूज करना पड़ता है. एंटी वेनम दो तरह का आता है, मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट. मोनोवेलेंट मतलब अलग अलग स्नेक का वेनम से बना एंटी वेनम. पॉलीवेलेंट मतलब सब स्नेक का वेनम से बना एक एंटी वेनम. फ्रेंड, आपके डॉग को स्नेक बाइट हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास ले जाओगे तो डॉक्टर आपसे पूछेंगे कौन स्नेक इसको बाइट किया है, तो आपको पता नहीं होगा तो डॉक्टर एंटी वेनम जो लगाएंगे वो पॉलीवेलेंट. जब फ्रेंड आपके डॉग को स्नेक बाइट हो जाता है और आपको पता होता कि आपके डॉग को कौन से स्नेक बाइट किए हैं और आप डॉक्टर को बताते हो कि मेरे डॉग को रसल बाइपर ने बाइट किए हैं या कोबरा ने बाइट किए हैं या क्रेत ने बाइट किए हैं, तो उन्हीं नाम का एंटी वेनम देंगे तो उसमें लिखा होगा मोनोवेलेंट. फ्रेंड थोड़ा सा और आप जान लो कि एंटी वेनम बनता कैसे है. एंटी वेनम बनता है स्नेक का वेनम से ही. स्नेक का वेनम जानवर पर दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, भेड़ पे या घोड़े पे थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है कुछ कुछ दिनों पे, और कुछ दिनों के बाद उसी जानवर से प्लाज्मा निकालता है और प्लाज्मा को लैब सेंटर में भेजा जाता है. लैब सेंटर में तैयार होता है एंटी वेनम. चलो फ्रेंड, अब मैं बात करता हूँ डॉग को स्नेक बाइट कर ले तो एंटी वेनम डोज कैसे देना है डॉग को. एंटी वेनम फ्रेंड दो तरह से आप अपने डॉग के बॉडी में डाल सकते हो. एक डायरेक्ट डाल सकते हो इंजेक्शन के द्वारा, या एनएस ड्रिप के द्वारा भी आप डाल सकते हो. चलो फ्रेंड, आप बात करता हूँ कितना डोज इंजेक्शन डॉग को एंटी वेनम लगाया जाता है. डॉग का कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो फर्स्ट बार आपको 2 ml लगाएंगे, फिर 1 घंटे के बाद यदि ठीक हो गया है तो 1 ml लगाएंगे, या ख़राब है तो फिर 2 ml लगाएंगे और 1 घंटे के बाद देख राहत थोड़ा ठीक हो रहा है तो 1 ml लगा कर छोड़ देंगे. यदि फिर से ख़राब कंडीशन दिख रहा है तो फिर आपको ml पे ml प्रति घंटा लगते रहेगा जब तक न वो ठीक कंडीशन में हो जाए. दूसरा, जो NS ड्रिप के द्वारा एंटी वेनम डॉग के बॉडी में डाला जाता है, तो वो जैसे आपका डोगी का बॉडी वेट 10 kg है तो 150 ml NS लेंगे, या आपका डोगी का बॉडी वेट 20 kg है तो 300 ml लेंगे, उसमें फिर उसी तरह से डोज डालेंगे जिस तरह से अभी हम बताएं. एंटी वेनम फर्स्ट बार 2 ml डाल सकते हैं. जब फ्रेंड ड्रिप 300 ml डॉग के बॉडी के अंदर चला जाएगा तो फिर एंटी वेनम ड्रिप के द्वारा फिर देने की ज़रूरत नहीं है, फिर इंजेक्शन के द्वारा एंटी वेनम की जरूरत पड़ेगा, तो इंजेक्शन के द्वारा ही डॉग के बॉडी में एंटी वेनम डाला जाएगा. डॉग का कंडीशन ठीक नहीं होगा तो फिर एंटी वेनम डाला जाएगा, और कंडीशन ठीक हो गया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि फिर से उसके बॉडी के अंदर एंटी वेनम डालना है. और फ्रेंड, एंटी वेनम के साथ एट्रोपाइन इंजेक्शन का भी उपयोग हो सकता है और पैरासीटामोल इंजेक्शन का भी उपयोग हो सकता है उसका बॉडी में जो दर्द होगा उसको कम करने के लिए. और एट्रोपाइन इंजेक्शन हार्ट बीट को बरकरार करने के लिए और जहर का मात्रा कम करने के लिए उपयोग किया जाता है. पैरासीटामोल इंजेक्शन 0.5 ml लगाया जाता है या 1 ml भी लगा सकते हैं, लेकिन एट्रोपाइन इंजेक्शन 1 ml ही लगाएंगे. फ्रेंड, एंटी वेनम का प्राइस 300 से 600 के बीच होता है, और एंटी वेनम आपको मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएगा या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप रिक्वेस्ट करके ले सकते हो. चलो फ्रेंड, अब बात करता हूँ कि डॉग को जब स्नेक बाइट कर ले तो सिम्टम्स क्या दिखता है. डॉग चिल्लाएगा फ्रेंड, जहाँ पे डॉग को बाइट कर रखा होगा स्नेक वहाँ पे सूजन हो जाएगा, डॉग का एक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, वो चल फिर नहीं पाएगा और मुंह से लार भी टपक सकता है. डॉग चिल्लाता है इसलिए फ्रेंड क्योंकि उसके बॉडी में दर्द काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण से ऊँ करके वो चिल्लाएगा भी. चलो फ्रेंड, अब आपको पता चल गया होगा कि डॉग को स्नेक बाइट हो जाता है तो ट्रीटमेंट क्या करना पड़ता है. चलो फ्रेंड, बाय. नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ इसी तरह एनिमल रिलेटेड वीडियो, और भी आप लोग के लिए लाता रहूँगा. और फ्रेंड, ये बात तो बताना मैं भूल ही गया, कुछ कुछ स्नेक नॉन वेनमस होता है. बहुत सारे सांपों में जहर नहीं पाया जाता है, जैसे कि रेड स्नेक, चिग रेड, किलबैक स्नेक, कॉमन कैट स्नेक, कॉमन वुल्फ स्नेक,
कॉमन सेंट बॉय स्नैक, कॉमन ट्रिंकेट स्नैक, कुछ और भी स्नैक नॉन वेनमस पाया जाता है। जाते जाते फ्रेंड एक बात और बता देता हूँ, जब डॉग को सांप काट लेगा जहरीला तो 3 घंटे तक टाइम होता है डॉग को, ट्रीटमेंट मिल गया तो डॉग बच जाएगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा।